मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, या केवल एक नारा नहीं बल्कि इस नारे ने भारत के लोगों में आजादी की लड़ाई लड़ने की एक उत्साह सी जगा दी थी। नेताजी कहे जाने वाले सुभाष चंद्र बोस के इस नारे ने भारत के दीवानों में जोश सा भर दिया था। आज 23 जनवरी है और आज ही के दिन भारत माता के इस वीर सुपुत्र की 125वीं जयंती है। नमस्कार, मैं हूं नाज़िश रहमत, स्वागत है आपका हमारे इस खास वीडियो में। आज हम नेताजी से जुड़े कुछ खास बातें आपको बताने जा रहे हैं, जुड़े रहे हमारे इस वीडियो में। सुभाष चंद्र बोस भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी और सबसे बड़े नेता थे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्हें जापान के सहयोग से आजाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत की राष्ट्रीय नारा बन गया है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब नेताजी ने जापान और जर्मनी से सहायता लेने की प्रयास किया था, तब ब्रिटिश सरकार ने अपने गुप्तचरों को 1941 में उन्हें खत्म करने का आदेश दिया था। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्र भारत की स्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मोंचुको और आयरलैंड सहित 11 देशों की सरकारों ने मान्यता दी थी। जापान ने अंडमान निकोबार आइलैंड इस अस्थायी सरकार को दे दिए। नेताजी इन द्वीपों पर गए और उनका नया नामकरण किया। 1944 को आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर दोबारा आक्रमण किया और कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त भी करा लिया। कोहिमा का युद्ध 4 अप्रैल 1944 से 22 जून 1944 तक लड़ा गया। यह एक भयंकर युद्ध था। इस युद्ध में जापानी सेना को पीछे हटाना पड़ा था और यही एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ। 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम एक प्रसारण जारी किया, जिसमें उन्होंने इस निर्णायक युद्ध को विजय के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी। भाषण के माध्यम से गांधी को संबोधित करते हुए नेताजी ने जापान से सहायता लेने का अपना कारण और अर्जी हुकूमत आजाद हिंद और आजाद हिंद फौज की स्थापना का उद्देश्य के बारे में बताया। इस भाषण के दौरान नेताजी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा, तभी गांधी जी ने भी उन्हें नेताजी कहा। नेताजी की मृत्यु को लेकर आज भी विवाद है, जहां जापान में प्रतिवर्ष 18 अगस्त को उनका शहीद दिवस धूमधाम से मनाया जाता है, वहीं भारत में रहने वाले उनके परिवार के लोगों का आज भी यह मानना है कि सुभाष की मौत 1945 में नहीं हुई, वे उसके बाद रूस में नजरबंद थे। यदि ऐसा नहीं है तो भारत सरकार ने उनकी मृत्यु से संबंधित दस्तावेज अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं किए। ऐसा माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 में एक विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु ताइवान में हो गई, पर उस दुर्घटना का साक्ष्य नहीं मिल सका। सुभाष चंद्र की मृत्यु आज भी विवाद का विषय है और भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा संशय है। 16 जनवरी 2014 को कोलकाता उच्च न्यायालय में नेताजी के लापता होने का रहस्य से जुड़े खुफिया दस्तावेजों को सार्वजनिक करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए विशेष पीठ के गठन का आदेश दिया था। आजाद हिंद सरकार के 75 वर्ष पूरे होने पर इतिहास में पहली बार वर्ष 2018 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया। 23 जनवरी 2021 को नेताजी की 125वीं जयंती थी। उस दिन भारत सरकार ने नेताजी की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। उनके जन्म दिवस पर इस साल राजधानी दिल्ली के इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ग्रेनाइट से बनी भव्य प्रतिमा की स्थापित की जाएगी। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ट्वीट कर दी थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।